हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा एंशंट हिस्ट्री चल रहा है और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे मौर्य पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसके पहले के 23 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। तो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। चंद्रगुप्त मौर्य कौन सी बुक में मेंशन है? तो वो है विशाखा दत्ता की बुक। नेक्स्ट है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन। पाटलिपुत्र की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही थी, उसको कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, कौन सी बुक में डिस्क्रिप्शन दे रखी है उसकी? तो वो है इंडिका, मेगास्थीन्स की बुक है इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट है, Who among us the following Mauryan ruler did conquer the Deccan? Deccan को किसने conquer करा था? तो वो थे बिंदुसारा। बिंदुसारा ने Deccan को conquer किया था। बिंदुसारा कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। Next है, language used in the inscriptions of Ashoka is? अशोका की जो inscriptions लिखी हुई है उसमें कौन सी language use करी गई है? तो वो है प्राकृत language। नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी कैटेगरीज डिड मेगास्थीन्स डिवाइड द इंडियन सोसाइटी? इंडियन सोसाइटी को मेगास्थीन ने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया था? तो टोटल 7 कैटेगरीज में इंडियन सोसाइटी को मेगास्थीन ने डिवाइड करा था। ये जो 7 कैटेगरीज है, ये कौन सी कैटेगरीज है? इसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है ब्राह्मिन्स की, फिर आते हैं फार्मर्स, देन आते हैं हर्ट्समैन, फिर आते हैं आर्टिसंस, सोल्जर्स, ओवरलुकर्स, एंड लास्ट में आते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, इसमें आर्मी ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं और नेवी ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं। तो ये है टोटल 7 कैटेगरीज जिसमें मेगास्थीन ने इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया था, राइट? नेक्स्ट है, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगधा आफ्टर नंदा डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी के बाद मगधा के ऊपर कौन सी डायनेस्टी का रूल था? तो वो थी मौर्य डायनेस्टी। नेक्स्ट है, द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज वॉज? मौर्यन एज के टाइम पे जो मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर था वो कौन सा था? वो था तक्षशिला। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हु वॉज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षसा? मुद्रा राक्षसा का राइटर कौन था? तो वो था विशाखा दत्ता। और मुद्रा राक्षसा को कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? तो लैंग्वेज थी संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था विशाखा दत्ता ने, राइट? नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थीन्स बुक? मेगास्थीन की जो बुक थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडिका। नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी अधिकरणास इज द कौटिल्यास अर्थशास्त्र डिवाइडेड? कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो कितनी अधिकरणास में डिवाइडेड है? तो टोटल है 15 अधिकरणास। नेक्स्ट, हु आइडेंटिफाइड द नेम सैंड्रोकॉटस एट चंद्रगुप्त मौर्य? तो कौन थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को नाम दिया था सैंड्रोकॉटस का? तो आंसर है डी आर भंडारकर, राइट? नेक्स्ट है, हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकास फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम जो अशोका की ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन थी उसको किसने डेसिफर किया था? तो वो थे जेम्स प्रिंसप। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द लास्ट मौर्यन एम्परर वॉज? लास्ट मौर्यन एम्परर कौन थे? तो वो थे बृहद्रथा। बृहद्रथा थे लास्ट मौर्यन एम्परर। इनको किसने मारा था? इनको मारा था इनके ही कमांडर इन चीफ पुष्यमित्रा शुंगा ने, जिसके बाद शुंगा डायनेस्टी शुरू हुई थी, राइट? नेक्स्ट है, कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ? कौटिल्य किसके प्राइम मिनिस्टर थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। चंद्रगुप्त, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं इनके। चंद्रगुप्त के पहला नाम क्या था? सैंड्रोकॉटस। नेक्स्ट है बिंदुसारा। बिंदुसारा का और नाम क्या था? अमित्रघाट। अशोका का नाम क्या था? पियादासी। और चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्ता। और किस नाम से इनको जाना जाता है? लिस्ट 2 में वो नाम दे रखे हैं, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम इज नॉट मेंशन्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन? तो किसका नाम मेंशन नहीं है? तो सतवाहना का नाम अशोकन इंस्क्रिप्शन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है।
नेक्स्ट है, बाय विच नेम वॉज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था, तो वो था विष्णु गुप्ता, जिसके हमने अभी ये मैच में मैच द फॉलोइंग में किया था चाणक्य का, और दूसरा नाम क्या था विष्णु गुप्ता। तो विष्णु गुप्ता इनको कब बोलते थे, इनके चाइल्डहुड में इनको विष्णु गुप्ता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, एंड अशोकन अडिक्ट इज लोकेटेड इन उत्तरांचल एट, उत्तरांचल में जो अशोकन अडिक्ट लोकेटेड है तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है खलसी में, उत्तरांचल में एक जगह है खलसी, उत्तरांचल को आजकल उत्तराखंड भी बोलते हैं, तो वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है खलसी, वहाँ पे अशोकन अडिक्ट एक लोकेटेड है, राइट। नेक्स्ट है, हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा, सांची स्तूपा किसने बनाया था, अशोका ने, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच इंडियन किंग डिफीटेड सिलिकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर, तो किसने मारा था सिलिकस को, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य हमारे। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका हैज बीन मेंशन, अशोका का नाम कौन सी इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो वो है माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हु इज एंशियंट इंडिया अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अमित्रघाट, अमित्रघाट का टाइटल किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था बिंदुसारा को, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, सेलिकस को, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है पीछे वाला ही, यहाँ पे था विच इंडियन किंग डिफीटेड सेलिकस, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और यही क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा करके इन्होंने दे दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, पहले था सेलिकस को किसने हराया था, और यहाँ पे आ गया चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, एंड हैव अ नाइस डे।